राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, वो सीट जिसे वोटर्स की दृष्टि से सबसे बड़ा माना जाता है। हम बात कर रहे हैं झोटवाड़ा विधानसभा सीट की। नमस्कार, मैं अभिजीत और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। झोटवाड़ा विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र की वार्ड नंबर 52 की RFC कॉलोनी में शिरकत की और सभी उपस्थित लोगों से रूबरू हुए। कॉलोनी वासियों ने राठौड़ का स्वागत किया और अपनी अपनी बात रखी। कॉलोनी की महिलाओं ने भी अपने मुद्दे बताए, जिसे सुनकर राठौड़ ने कहा कि मैंने देखा है कि महिलाएं अपनी बात रखने में पुरुषों से ज्यादा मुखर होती है। इसके साथ ही कर्नल राज्यवर्धन ने कॉलोनी वासियों से 100% मतदान की भी अपील की। रखते हैं SM तिवाड़ी जी, विक्रम सिंह राठौर साहब, हमारे शिव चौधरी जी वार्ड अध्यक्ष, भदुरिया साहब, युवराज सिंह जी, प्रहलाद सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, दिलीप सिंह जी, वह सभी आप सब जो आकर मुझसे मिले, आप सबकी कहीं ना कहीं आपने शानदार सर्विस करी है या समाज के अंदर बहुत बड़ा स्थान है आप सबका। आप सबसे मिलके तो मुझे अत्यंत खुशी हुई, लेकिन खास तौर से जो मातृशक्ति हमारी हमारी बहने माता या बहनें, मैं कल ही एक TV चैनल को बोल रहा था, वो नेशनल चैनल थी, राजस्थान का माहौल पूछने आई हुई थी। मैंने उनको अलग से कहा, मैंने कहा पुरुष शायद बोलते कम हैं लेकिन महिलाएं बहुत मुखर हैं और बहुत जबरदस्त, जो हमारी देश की जो भावना है ना वो सबसे ज्यादा आप में दिखाई देती है। तो आपको खास तौर से सबको धन्यवाद। आप तो बाकी को सबको समाज ही नहीं, घर पे तो कब्जा है ही, क्योंकि हर घर की वही कहानी है। तो देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आप सब बहुत समझदार हैं। आप सब वही लोग हैं जो इस समाज को, इस देश को ताकत दे रहे हैं, चाहे वो आर्थिक ताकत हो, सामाजिक ताकत हो, सोच की ताकत हो, हर तरह से आप ही हैं। एक बहुत छोटा प्रतिशत होता है देश का, हर जगह होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमारे देश के लिए कोई अलग बात है। हर जगह, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर भी, हर डिपार्टमेंट के अंदर भी, सेना में भी, कहीं पर भी चले जाइए, एक छोटा अंश होता है, एक छोटा परसेंटेज होता है जो ड्राइविंग फोर्स होता है। ट्रेन का भी एक ही इंजन होता है, बाकी सब पीछे चलते हैं। तो आप वे लोग, तो इसलिए बहुत खुशी होती है कि इतने समझदार लोग जो देश को ड्राइव कर रहे हैं, आज समझ रहे हैं कि देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कैसा बदलाव आया है और उस बदलाव के भागीदार और हिस्सेदार बनने को तैयार है। खासतौर से इस बात की मुझे खुशी है कि आज हिस्सेदार बनने को। तो चुनाव का समय है, आगे काफी सारी हमारी सभाएं हैं। मैं जब चुनाव में आया 2014 में, तो मुझे लगता था कि दो भाग होते हैं ना मीटिंग के, एक होता मुलाकात और उतरा भाषण। तो मैंने कहा मुलाकात में एक घंटा लग जाता है तो फिर समय तो वही खत्म हो जाता है, फिर बाद में मुझे समझ में आया कार्यक्रम ही वही है। कार्यक्रम ही वही होता है, एक बार सबसे मुलाकात हो जाए व्यक्तिगत नजदीक और फिर मिलते रहेंगे। अभी तो खैर एक तरह से हम भाग दौड़ लग रही है, उसके बाद यही रहना है। वैसे भी मैं 1990 से यही रह रहा था, आगे भी यही रहना है। एक सरल वातावरण होता है, देखिए राजस्थान दिल्ली में बहुत समय से रहा, 1998 में मैं दिल्ली गया था और उसके बाद ऐसी जीवन में मोड़ ली कि 1998 के बाद लगातार वही रहा। अब 2003 में शायद मेरी जो बोलते हैं ना हॉरोस्कोप के अंदर दिया हुआ है कि वापस राजस्थान में यहीं पर ही लौटना है। तो एक सरलता है राजस्थान में, एक सरलता है जयपुर के अंदर। तो पहले आपने जिम्मेदारी दिल्ली की दी हुई थी, यहाँ से चुनकर दिल्ली भेजा हुआ था, तो दिल्ली में अच्छा काम करा, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रह के बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये जो शुरुआती वर्ष है, जो मैं कह रहा हूँ भारत के बड़े बदलाव के, जो आगे और आएगा, हम अगले 25 साल में सबसे विकसित राष्ट्र बनने वाले हैं, उसका जो बदलाव की शुरुआत हुई, कम से कम उस शुरुआत में मुझे आप सबने मौका दिया वहां पे काम करने का। अब यहाँ पर आए हैं तो लगातार आपके बीच में रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी, कुछ छोटी बदलाव होते हैं जैसे आपकी कॉलोनीज के अंदर है, पानी का हुआ, बिजली का हुआ या सर्विसेज हुआ, सरकार के अधिकारी किस तरह से आपसे बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से आपका काम कर रहे हैं, वो मैं कहता हूँ है इम्पोर्टेंट है, लेकिन देश की प्रगति के अंदर उनका एक अलग रोल हो जाता है। तो हमें दोनों चीजें करनी है, हमें देश को भी हर तरह से आगे बढ़ाना है और साथ साथ अपना जो रहन सहन है, ईज ऑफ लिविंग जो है उसको भी सुधारना है। मैं हमेशा
अपनी पूरी टीम के साथ, साथियों के साथ आपके पास मौजूद रहूंगा। आज के स्वागत के लिए धन्यवाद। अब 25 नवंबर को, अभी से लेकर 25 नवंबर तक को आपको एक माहौल खड़ा करना है जिसमें केवल आपका वोट इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए क्योंकि आप एक के बराबर नहीं हो सके, आप हजार के बराबर हो, ये आपकी क्षमता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक वोट नहीं, आपको हजार वोट लेकर आना है। तो आपको अभी से कॉल नहीं करनी है। अब जैसे दिल्ली के अंदर एक सिस्टम शुरू हुआ, आप जो वॉलंटियर करते थे उनको कहा जाता था कि आप फोन कॉल करो, 10 नंबर दिए जाते थे, वो वॉलंटियर करके फोन करते थे। ऐसे हजारों लोग हो गए थे जो फोन करने को तैयार थे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। तो हमारा ऐसा सिस्टम तो ऑर्गेनाइज हम नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको ये आग्रह जरूर कर सकते हैं कि आपके जितने मित्र हैं जो झोटवाड़ा में रहते हैं या राजस्थान में रहते हैं, उनको जरूर कहिए कि ये जो बदलाव आ रहा है किस कारण से आ रहा है। चाहे हमारी संस्कृति को मजबूती मिल रही है, चाहे हमारे सनातन धर्म को मजबूती मिल रही है। जिस तरह से देखते थे बड़े बड़े मंदिर बनते थे 400-800 साल पहले, आज फिर से वो भव्य मंदिर बनने शुरू हो रहे हैं। तो ये भारत की शक्ति है। और हम सबसे ज्यादा ताकत अपने बच्चों को तो यही तो देखे जा सकते हैं। आप अपनी तरफ से उनके लिए कुछ तैयार करते हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी, एजुकेशन, ये सब तैयार करते हैं, लेकिन बड़े रूप में भारत क्या उनको दे रहा है? एक नया भारत, एक मजबूत भारत उनको दे रहा है, ताकि वो उनकी आइडेंटिटी केवल एकमात्र वो कहीं दुनिया में हो बोले कि हम भारतीय हैं, उनके लिए लाल कार्पेट बिछ जाना चाहिए। इस तरह का हमारे भारत में, तो ये जरूर करिएगा। आपसे आग्रह कि 25 नवंबर तक और वोटिंग परसेंटेज की भी चर्चा हो। मुझे लगता है इस बार वोटिंग परसेंटेज जरूर शहर से शानदार होगा, ऐसा मुझे भाव आप सबसे मिल रहा है। 65% रहता है, गाँव का 85% रहता है। आप हैं ड्राइविंग फोर्स, आप इस देश को चला रहे हैं, लेकिन मतदान में जो 5 साल में एक बार आता है उसको पीछे रह जाते हैं। तो इस बार वो बदलाव भी मुझे लगता है जरूर आएगा, और उसको और कंफर्म करने के लिए कि ऐसा जरूर हो, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी अभी से लेकर 25 तक। आपको मंजूर है जिम्मेदारी? थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में आके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस आशीर्वाद और स्नेह के लिए। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।